पुलिस के नाक के नीचे गौ तस्कर सक्रिय। पुलिस की लगातार सख्ती के बावजूद मवेशियों की तस्करी करने वालों पर लगाम नहीं लग पा रही है। तस्कर नित नए उपाय कर पुलिस को चकमा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में ग्राम खुर्सीपार पर योगेश सोनकर द्वारा 250 गायों को गांव में ही बांध कर रखा गया था, जिसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद एवं गौ रक्षक रक्षकों द्वारा आजाद कराया गया, तो वहीं मौके से आरोपी फरार हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि यह तस्कर अपने गांव में काफी दिन से सक्रिय होने के बाद आसपास से गौ माता को लाकर खुद के गाड़ी से बाहर भेजते हैं। कुछ समय पहले भी इस पर कार्यवाही की गई थी। यह व्यक्ति आदतन गौ तस्कर है। इस तरह से गौ तस्करी को बजरंग दल के साथियों द्वारा नाकाम किया गया। आगे की कार्यवाही पुलिस विभाग कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के साथियों के माध्यम से उस हमको पता चला। उसके बाद में फिर हमारे गौ रक्षा समूह जो है उनके साथ यहाँ पर हम जब आए तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिला कि यहाँ पर कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे जो हैं वो गायों को हटाने का प्रयास कर रहे थे ताकि वो यहाँ से हट जाएं। मतलब वो एक तरह से ये कर रहे हैं कि यहाँ सबूतों को मिटाया जा रहा था। और ये जो चीज़ें हैं गाय तस्कर का जो यहाँ मामला है वो विगत कई वर्षों से चलता आ रहा है। गाँव वालों के साथ हमने बातचीत की तो उनके माध्यम से हमें ये पता चला कि ये 4 साल पहले भी इस सब चीज़ों में लिप्त होकर थाना में जा चुके हैं, इनकी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है कि वो इस काम को बंद कर चुके हैं। लेकिन गांव वालों का कहना यह है कि बैठक भी करवा चुके हैं लेकिन वो इन सब चीज़ों को मानने से इनकार कर रहे हैं और अपनी दबंगई के चलते गांव में आज भी गांव तस्करी कर रहे हैं। हमारे गांव में तस्करी कर रहा है ये योगेश सुनकर, जिसके सारा बाहर से भी 2-4 है। ये है छोटे छोटे गाड़ी, विरोध किया है सर, विरोध किया है, अभी तक मान नहीं रहा है, ये हो चुका है इसके बारे में। छत्तीसगढ़ बालोद से खिलावन चंद्राकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।